हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कैनरा बैंक का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। तो रिसेंटली कैनरा बैंक ने अपना न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है नया फिक्स डिपॉजिट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है कैनरा बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली कैनरा बैंक ने अपना न्यू एफडी रेट जो है वो अपडेट किया है। तो चलिए जान लेते हैं कैनरा बैंक का न्यू फिक्स डिपॉजिट फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिपॉजिट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो यहाँ पे आप लोग को टर्म डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और फिर इधर आप लोग देख सकते हो एफडी रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में। हम लोग आ चुके हैं कैनरा बैंक का फिक्स डिपॉजिट का वेब पेज में। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग देख सकते हो बेनिफिट, फीचर्स, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो बेनिफिट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 90% लोन अवेलेबल है और विड्रॉल भी आप लोग कर सकते हो। फीचर्स, फीचर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिनिमम जो है 1000 से स्टार्ट हो सकता है, मैक्सिमम का कोई सीलिंग नहीं है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट मिनिमम 15 डेज से लेके मैक्सिमम जो है 120 मंथ्स तक कर सकते हो। और लोन फैसिलिटी जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ 90% अवेलेबल होगा, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन एलिजिबल है, फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिपॉजिट अकाउंट रेट एट ए क्विक ग्लांस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेविंग बैंक डिपॉजिट में अगर आप लोग पैसा रखते हो जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 21/12/2022 से इफेक्टिव है, लेस देन 50 लाख 2.90 और ये कंटिन्यू अटिल लेस देन 5 CR तक 2.90, 5 CR टू 10 CR 2.95, 10 CR टू 100 CR 3.05, 100 CR टू 200 CR 3.50, 200 CR टू 300 CR 3.10 और ये कंटिन्यू टिल 500 CR तक, 500 CR टू 1000 CR 3.40, 1000 CR टू 2000 CR 3.55, 2000 CR एंड अबव 4% यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ टर्म डिपॉजिट के बारे में जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 11 June 2024 से, फॉर डिपॉजिट लेस देन 3 CR, ठीक है। कॉलेबल, नॉन कॉलेबल, कॉलेबल में अगर आप लोग पैसा रखते हो तो एमरजेंसी के वक्त पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। नॉन कॉलेबल में एमरजेंसी के वक्त आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हो और एबव 1 CR के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मिनिमम जो है 1 CR के अबव आप लोग को एफडी ओपन करना होगा। जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन ग्रेटर देन 60 ईयर्स, जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन, ठीक है। कॉलेबल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 से 45 डेज 4%, सीनियर सिटीजन केस में 4% और नॉन कॉलेबल में कोई भी एफडी रेट एप्लीकेबल नहीं है 7 से 45 डेज, 46 से 90 डेज 5.25 और सीनियर सिटीजन केस में 5.25 और नॉन कॉलेबल में 5.35 और सीनियर सिटीजन केस में 5.35, 91 से 179 डेज 5.50 और सीनियर सिटीजन केस में 5.50 और नॉन कॉलेबल में 5.60 और सीनियर सिटीजन केस में 5.60, 182 to 269 डेज 6.15 और सीनियर सिटीजन केस में 6.65, जनरल पब्लिक के लिए नॉन कॉलेबल में 6.25 और सीनियर सिटीजन केस में 6.75, 270 डेज टू लेस देन 1 ईयर 6.25 और सीनियर सिटीजन केस में 6.75 और नॉन कॉलेबल में 6.35 और सीनियर सिटीजन केस में 6.85, 1 ईयर का जो है 6.85 और सीनियर सिटीजन केस में 7.35, कॉलेबल में और नॉन कॉलेबल में 7% और सीनियर सिटीजन केस में 7.50, 444 डेज 7.25 और सीनियर सिटीजन केस में 7.75, 7.40 नॉन कॉलेबल में और 7.90 कॉलेबल में, अबव 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर 6.85, सीनियर सिटीजन केस में 7.35 और यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन केस में 10% और सीनियर सिटीजन केस में 7.50, 2 ईयर एंड अबव टू लेस देन 3 ईयर 6.85 और सीनियर सिटीजन केस में 7.35 और नॉन कॉलेबल में 10% और सीनियर सिटीजन केस में 7.50, 3 ईयर एंड अबव टू लेस देन 5 ईयर 6.80 7.30 और यहाँ पे कोई भी एफडी रेट एप्लीकेबल नहीं है, 5 ईयर एंड अबव टू 10 ईयर 6.70 और यहाँ पे 7.20 और यहाँ पे कोई भी रेट एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉन कॉलेबल में प्रीमैच्योर विड्रॉ अलाउ नहीं है और एडिशनल जो है सीनियर सिटीजन को 0.50% एक्स्ट्रा मिल जा रहा है जो कि ऑलरेडी ऐड होकर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है वो है 444 डेज में, दैट इज 7.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन में 7.75, ठीक है। और अगर आप लोग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो देन 180 डेज के अबव कर सकते हो 6.15 और 6.65 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और अगर आप लोग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो देन 3 ईयर के अबव कर सकते हो टू लेस देन 5 ईयर 6.80 और सीनियर सिटीजन केस में 7.30, ठीक है। तो ये था कैनरा बैंक का न्यू फिक्स डिपोजिट रेट के बारे में जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 11th of June 2024 से। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।